पानी डालो पैसे कमाओ। थंबनेल में आपने बिल्कुल सही सुना, पानी डालो और रोज के 8 से 10 हज़ार रुपये कमाओ। आज हमारे साथ है नल्लाडे इन्फोटेक से रमेश जी, जिनका पिछला वीडियो लगभग 1 करोड़ लोग देख चुके हैं। सर ये बताइए, आज कौन सा बिजनेस आप हमारे दर्शकों के लेके आए हैं? सर एक्चुअली हम लोग बिजनेस नहीं लेके आते, हम लोग एक्चुअली कंसेप्ट लेके आते हैं। लोगों के दिमाग में बिजनेस यानी दुकान डालना फिर काम चालू करना ये होता है, लेकिन हमारा कंसेप्ट होना है सर, हमारी कंपनी के 4 रूल है। पहला रूल है बिजनेस खुद कभी नहीं करना, दूसरा रूल है बिजनेस खुद के पैसे से कभी नहीं करना, तीसरा रूल है बिजनेस एटीट्यूड हो तो बिजनेस में उतरो, तो चक्कर में गिरो मत, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है सर, खुशी से काम करो, खुशी के लिए काम मत करो। तो एक्चुअली हम लोग अभी लेके आए ना सर, हम लोग बिजनेस कंसेप्ट लेके आए, तो कंसेप्ट से सर मैं आपको स्टैम्प पे लिख के दे सकता हूँ कि आप थोड़ी सी ज्यादा भी नहीं थोड़ी सी मेहनत करोगे तो सर दिन का आपको 8 से 10 हज़ार रुपए आप आराम से कमा सकते हो। मैं आपके लिए लाया हूँ मौके पे चौका ऑफर, एक बिजनेस है जो अपना ये मशीन है, ये मशीन से आप दिन का कम से कम 5 हज़ार रुपये आप आराम से कमा सकते हो। इसका हम लोग स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं सर जी कि 5 हज़ार आपको आप मिला, ज़्यादा से ज़्यादा सर आपको 8 से 10 ही कस्टमर ढूंढने, और सर आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कस्टमर सामने से आ जाएंगे। और ये जो सर मशीन है ना सर, एक तो सबसे पहला लेने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, नहीं तो बताना चाहूँगा, पहले पर आस पास में पूरे जिले में देखना है मशीन कहीं अवेलेबल है क्या, अगर अवेलेबल हुई तो मैं बोलूँगा ना लो, लेकिन सर ये मशीन आप कहीं पर भी ढूंढो सर, पूरे जिले में आपके पूरे तहसील में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो सर ये तो सबसे पहला है ना सर, एक कंसेप्ट हम लोग पहले बार लेके आ रहे हैं, अभी तक ये कंसेप्ट में किसी ने ध्यान नहीं दिया हुआ, क्योंकि इसका सर सबसे मेन बेनिफिट है ना सर जी, इसको बनाने के लिए जो हम लोग काम करने वाले, इसको करने के लिए सर खर्चा आता है 100 रुपया, और हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं ना सर जी वो 900 रुपया 800 रुपया, मैं बोलूँ अगर 500 रुपये में भी अगर सेल करे तो एक कस्टमर के पीछे 400 रुपये आपको आराम से मिल जाता है, और कस्टमर सर आपके आस पड़ोस में ही है, और आपका जो कस्टमर कैटर है ना सर जी, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक सारे के सारे आपके कस्टमर है। ये सर ये मशीन का आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा, और सर मशीन भी बड़ी नहीं है, कुछ नहीं, छोटी सी मशीन है, पोर्टेबल मशीन है, एक छोटे से घर पे सिंगल फेस पे चलते हैं, इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, यानी ज़्यादा बिजली का बिल भी उसमें आएगा नहीं, यानी आपको दुकान लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसा होता है लोग सर बिजनेस शुरू करते हैं ना सर, वो दुकान लेते हैं, फिर दुकान का लाइट बिल भरो, फिर उसका हफ्ता एक ना भाड़ा अपना पे करना होता है, तो इसमें सर ऐसी कोई जरूरत ही नहीं। आप देखेंगे यहाँ से अगर, तो यहाँ पे देखो सर, सर 3 मोटर है सिर्फ, ये 3 मोटर ही घूमते हैं, यहाँ पे नीचे एक छोटा सा ओवन है, तो सर ये मशीन के लिए जो खर्चे वाली बात है, जो मेंटेनेंस है कुछ है, ये ना के 0 मेंटेनेंस के बराबर मशीन है। जैसे सुधाकर जी ने हमें कहा था अभी जब जस्ट नीचे हमने कहा था कि पानी डालो और पैसा कमाओ, तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें पॉट में पानी डाल लेते हैं। ओके, इसके लिए ज़्यादा इक्विपमेंट कुछ नहीं लगता, ये लगेगा अपना IP का बॉटल है, जो आपको कोई भी शॉप में TV रिपेयरिंग वगैरह जो है हार्डवेयर में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये दूसरा है अपना नैनो कोटिंग केमिकल है, वो हम लोग आपको दे देंगे। उसके साथ में ये जो पेपर है, जो कपड़ा है क्लीनिंग के लिए, एक क्लीनिंग क्लॉथ अपने को लगेगा, और ये सब पंप है जो हम आपको दे देंगे। ये सारा चीज़ आपको हमारे यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कहा था अभी हम लोग इसमें पानी डाल दे रहे हैं, जब आप देखोगे लास्ट में सर आपको चौंक जाएंगे सर जी कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये एक मोबाइल, इसके हम लोग जो पिन मेमोरी कार्ड जो है सारा चीज़ हम लोग पहले निकाल देंगे, उसके जितने भी होल्स होते हैं जहाँ से, जैसा एक माइक का होल है, यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे चार्जर का है, केबल है, ये जो सारा चीज़ें ये पहले हम लोग क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे है हमारे पास IP का बॉटल, ये IP कहीं पे भी आपको नॉर्मल अवेलेबल हो जाएगा, किसी मोबाइल की दुकान में भी मिल जाएगा, 40-50 रुपये को आ जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। हम लोग IP मार के इसे पहले हम लोग क्लीनर से पूरा क्लीन कर लेते हैं, आप जितना क्लीन करोगे उतना आपका काम बेस्ट हो जाएगा। हम लोग इसको पूरा साफ कर लेते हैं, अभी पूरा साफ करने के बाद में अभी हम मशीन ऑन करते हैं। हम लोग ने मशीन ऑन किया, यहाँ पे आपको दिखा रहा है वोल्टेज, दिखा रहा है टाइमर, दिखा रहा है ऑलरेडी हम लोगों ने टाइमर और वोल्टेज हम लोग ने सेट करके रखा हुआ है। यहाँ पे वैक्यूम का बटन है, हम लोग ने यहाँ पे वैक्यूम का बटन ऑन किया, यहाँ पे वैक्यूम का कनेक्शन है, यहाँ पे वैक्यूम चल रहा है, उसका पावर अभी हम लोग यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ से जो भी पूरा डस्ट है पूरा वैक्यूम से हम लोग खींच लेंगे, यानी अंदर जो भी धूल मिट्टी जो भी छुपी होगी, जो मदरबोर्ड के ऊपर या कोई इसके ऊपर बैठा होगा, तो पूरा वैक्यूम से पूरा खींच लेगा। हम लोग इसको पूरा जितना अच्छे से वैक्यूम कर सके उतना अपना मोबाइल बेस्ट हो जाएगा। हम लोग ने इसको वैक्यूम किया, जो सर मेमोरी कार्ड का स्लॉट है हम लोग इसमें भी डालें, यहाँ पे हम लोग ने उसको क्लीन कर लिया, जितना हो सके उतना बेस्ट हमें करना है।
ये सारे माइक का होल हैं, सारी गंदगी हम लोग ने इसमें से निकाल ली। ये अभी हो गया पूरा वैक्यूम का काम, अभी मैं तो थोड़े वक्त के लिए कर रहा हूँ, अगर आप हो सके तो बेस्ट और भी अच्छा कर सकते हो। अभी हमने इसे वैक्यूम करने के बाद में हमने यहाँ पे वैक्यूम बंद कर लिया। अभी हम लोग खोलेंगे मशीन का पॉट, एक खोला है। यहाँ पे हम लोग जो मोबाइल है यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये दो पॉइंट्स की तरफ हम लोग दोनों उसका जो है वो यहाँ पे ऐसा फिट कर देंगे, सिंपली रख देंगे। यहाँ पे हम लोग ने रखा हुआ है ये जो बाउल है, हम लोग इसके अंदर भी लिक्विड डालेंगे। ये है नैनो कोटिंग लिक्विड है, इससे मोबाइल पूरा उसको क्लीन कर देगा जी। यहाँ पे हम लोग जो देते हैं ना, यहाँ पे आपको 3 ml ही आपको इसमें लिक्विड डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना। तो हम लोग अभी यहाँ पे लेते हैं 3 ml लिक्विड। यहाँ पे हो गया, हम लोग ने इसके अंदर ही लिक्विड डाल दिया। यहाँ पे दूसरे बॉल में 3 ml लिक्विड डालना है। इसमें हम लोग ने और 3 ml हम लोग ने लिक्विड डाल दिया। अभी हम लोग इसको बंद कर देंगे, कप को हम लोग ने कप को भी बंद कर दिया। ओके, हमारा मोबाइल अभी स्विच ऑफ है, आपने देखा पूरा मैंने क्लीनिंग करके वैक्यूम करके क्लीन करके टोटली मैंने यहाँ से इसको साफ़ किया हुआ है। आइए मैं इसे बंद कर देता हूँ, क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से आपको प्रॉपरली क्लोज़ करना है, यहाँ से क्लोज़ करना है। अब यहाँ पे सर जो है ये अपना पिस्टन का है, अभी हम लोग यहाँ पे जब चालू करेंगे तो यहाँ पे अपनी मशीन ऑन हो गई, देख रहे हैं। यहाँ से अभी फोग आना चालू हुआ है, जो नैनो कोटिंग हम लोग ने लिक्विड डाला था तो लिक्विड का कन्वर्शन अभी फोग में हो रहा है। ये जो धुआँ है, ये जो धुआं बन रहा है पूरे मोबाइल के अंदर जो भी होल्स है ये पूरे उसके अंदर जाएगा, मदरबोर्ड तक जाएगा। इसके अंदर भी एक वैक्यूम जनरेट हुआ है तो वैक्यूम से पूरा मदरबोर्ड में जो स्क्रीन पे सारा चीज़ पे उसको पूरा का पूरा वो कैच कर लेगा। आप यहाँ पे देख रहे हो पूरा फोक कैसा हो रहा है करके। ये कुल मिला के 5 मिनट के लिए चलता है, ये 5 मिनट तक ये पूरा प्रोसेस कर लेगा। जैसे देखिए यहाँ पे अभी मोटर चल रहा है, अभी हम लोग ने पिस्टन का मोटर चालू किया हुआ है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो पिस्टन का वो उस कप का एक मोटर, इस कप का एक मोटर। ये सादा सिंपल छोटा मोटर है सर जी, बहुत ज़्यादा हीवी मोटर नहीं है। और वो जो मोटर है सर वो वैक्यूम का मोटर है, अभी मोटर काम कर रही है। अभी देखो यहाँ पे जो टाइमर है अभी हम लोग ने ऑलरेडी सेट करके रखा था 3 मिनट के लिए, तो 3 मिनट तक उसका काम चल रहा है। अभी भी फॉग आना चालू है, यहाँ पे आपको इंडिकेशन दे रहा है अभी 2 मिनट बाकी है। ओके, अभी 1 मिनट फिर ऑटोमेटिक ये अपना बंद हो जाएगा। अब ये लगभग हमारा हो चुका है, यहाँ पे ऑफ करके आ चुका है, हम लोग फिर से भी खोलेंगे। खोलने के बाद में हम लोग मोबाइल बाहर निकालेंगे। अभी हम लोग फिर से इसे आईपी से थोड़ा सा क्लीन करेंगे, इसकी वजह यहाँ पे जो समझो कोई ब्लर होगा कोटिंग पे, जैसा मोबाइल है मोबाइल पे आ गया तो हम लोग उसको निकालने के लिए पहला क्लीनिंग क्लोथ से हम लोग उसको पूरा क्लीन कर लेते हैं। अभी हम लोग ने यहाँ पे उसको पूरा क्लीन कर रहे हैं। ओके, अच्छी तरह से जैसा हो सके हम लोग ने उसको क्लीन किया हुआ है। ओके, अभी हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद में आप अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसा नीचे मोटर था यहाँ पे इसमें ओवन है। ये ओवन की जरूरत क्यों है, अभी हम लोग ने जो कोटिंग किया हुआ है वो कोटिंग इसमें फिट होना चाहिए, तो इससे 34 डिग्री यानी इसका जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर पे हम लोग उसको करेंगे। अभी हम लोग ने इसमें टेम्परेचर सेट किया हुआ है, लेकिन करने से पहले ध्यान रखना मोबाइल अपना स्विच ऑफ होना चाहिए, ऑन नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग ने मोबाइल यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग ने बंद कर लिया। यहाँ पे ओवन का बटन है, हम लोग ने ओवन ऑन कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट आ चुकी है। अब ये हार्डली 3 मिनट तक ये ओवन उसको हीट करेगा, जो भी हम लोग ने नैनो कोटिंग जो भी हम लोग ने कोटिंग किया हुआ है वो कोटिंग उसके ऊपर परफेक्ट बैठ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे अपना मोबाइल हो चुका है, 5 मिनट का टाइमर था कट ऑफ हो चुका है, अभी हम लोग मोबाइल ले लेंगे। ओके,
अभी आपका मोबाइल हो गया है पूरा रेडी। अभी हम लोग इसमें जो हम लोग ने जो स्लॉट निकाला था मोबाइल का, हम लोग वो स्लॉट इसमें लगा देते हैं। ये स्लॉट लगा दिया, अभी आपका मोबाइल एक बार हम लोग फिर से उसको क्लीनिंग कर लेते हैं। एक नॉर्मल हाथ से क्लीनिंग करेंगे तो चलेगा, आईपी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग ने अभी पूरा मोबाइल है ना सर जी, ये मोबाइल पे नैनो कोटिंग बोले तो इसमें पूरा यानी जो अंदर एक कोटिंग हुआ है, जो भी अपना जो मदरबोर्ड है प्रोसेसर है स्लॉट इसके ऊपर एक कोटिंग निकला हुआ है। आप कितना भी इसको यूज़ करो कोटिंग निकलता नहीं है। ओके, अभी एक हो गया मोबाइल पूरा वाटरप्रूफ, यानी वाटरप्रूफ बोलने के बजाय हम लोग बोल सकते हैं वाटर रेजिस्टेंस हो गया। अभी हमने हमारे मोबाइल चालू किया हुआ है। ओके, अभी फिलहाल तो मैं इसको स्क्रीन उसका थोड़े दिनों को बंद कर लेता हूँ। ये हम लोग ने वाटरप्रूफ किया हुआ मोबाइल है, कोटिंग किया हुआ है, और बिना कोटिंग किया अभी हम लोग आपको दिखाते हैं। ये हम लोग ने पानी लिया, इसके ऊपर हम लोग ने पानी के चार बूंद डाले, और अभी देखो इसके अंदर हम लोग ने पानी के चार बूंद डाले। अभी देखिए सर, इसके ऊपर का पानी है जो आप देख रहे हैं, देखो जैसा आलू के ऊपर जो होता है, देखिए पानी यहाँ पे रुक नहीं रहा है, ठहर नहीं रहा है पे पानी, देखिए यहाँ पे पानी भाग रहा है। अभी आपको इसको सिर्फ झटक देना है, आपका काम हो गया, क्लीन हो गया मोबाइल। अभी इस पर देखो सर जी, पानी आप पूरा उसको पकड़ रहा है, कैप्चर कर रहा है, यानी पानी वो जगह ले रहा है। ओके, यानी इसमें हो गया ये चीज़। अभी सबसे मैं आपको इम्पोर्टेंट दिखाना चाहूँगा, ये वाटरप्रूफ अभी हुआ, ये अभी ऊपर से तो हुआ, अंदर से कैसा हुआ है? हम लोग ने चालू किया, अपने यूट्यूब पे लगाया हुआ है। अभी हम लोग इसका स्क्रीन बड़ा कर देते हैं। ओके, ये स्क्रीन बड़ी है। अभी हम लोग ने इसमें ब्लूटूथ लगाया हुआ है, मैं आपको आवाज़ बढ़ा के दिखा देता हूँ। आई ब्लूटूथ, अभी सर ये मोबाइल कम से कम एक 30-35 हज़ार का मोबाइल है। आपके सामने मैं इसको अभी पानी में डाल रहा हूँ, आवाज़ सुन रहे आप? मैं आपको आवाज़ बढ़ा के दिखाता हूँ, एक मिनट। मोबाइल पानी के अंदर है, एक भी बबल आपको दिख रहा है? देखिएगा, देखा अभी इतना टाइम तो हम लोग मोबाइल ज्यादा करके पानी में रखते नहीं, गिरा बराबर हम लोग तुरंत निकाल लेते हैं। अभी हम लोग मोबाइल को निकाल लेते हैं, ये आपकी आंखों के सामने मोबाइल निकला, कुछ ब्लर कुछ आपको दिखा रहा है। नमस्कार साथियों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, लगभग बिजनेस कौन सा है इसकी जानकारी तो आप सबको मिली होगी। सर ये बताइए, अगर कोई इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? एक्चुअली क्या है मालूम है क्या सर, हम लोग तो सबसे पहले बार कहते हैं ना, बिजनेस मशीन से नहीं होता, बिजनेस होता आइडिया सिस्टम स्ट्रैटेजी से। अगर आपके पास बिजनेस एटीट्यूड होगा ना तो सर आप आइए, नहीं तो क्या होता है सर, हम लोग तो पैसा लगा देंगे फिर दुकानदार लेगा कि नहीं लेगा, ये सर रोतली सूरत रोतला मुंह लेके प्लीज हमारे पास आइएगा, भी बात भी मत कीजिएगा। सर क्या बोलेंगे सर, मैं सीना टोके बोलता हूँ, स्टैम्प पेपर के ऊपर भी सर लेके, सर महीना इसमें 1-2 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। सर आपके आजू बाजू में सर बच्चे से लेके सर अभी सबको ऑनलाइन स्कूल चल रहा है, हर के पास मोबाइल है। सबसे ज्यादा मोबाइल सर क्यों खराब होता है? पानी की वजह से खराब होता है। तो सर जो बंदा 20 हज़ार वाला मोबाइल रहा है, 500 रुपये खर्चा नहीं कर सकता? तो सर बिजनेस एक है तो है, हर एक घर में 4-4, 5-5 मोबाइल है, यानी देश की पॉपुलेशन 1 करोड़ है ना सर, तो 4 करोड़ तो मोबाइल है। ओके, छोटे सर के बड़े यानी कस्टमर है क्या तो है सर, बच्चे से लेके बूढ़े तक कस्टमर है। अभी आप बोलेंगे सर नहीं मोबाइल शॉपिंग वाले का ही बिजनेस है, तो सर गलत बात है सर जी, वो मोबाइल शॉपिंग वाला खुद का ही मोबाइल करके देगा, जो खुद के यहाँ पे आता है कुछ आता है। सर मैं अगर बोलूंगा ना, आप अगर घर पे अगर मशीन ले रहे हो, एक तो आपके घर में रखने के लिए जगह है, एकदम छोटी सी जगह है, भी फैन से भी कम बिजली का बिल इसमें आता है, दिन भर रात भर अपना फैन चलता है, उसका बिल कैलकुलेट करो, इसका बिल कैलकुलेट करो, तो उससे भी आधा बिल आएगा ना, उसमें खर्चा भी नहीं, जीरो मेंटेनेंस मशीन है। और सबसे बात सर, आप अगर ना 20 दुकानदार ढूंढोगे ना, 20 में से आपको 15 ने रिजेक्ट कर दिया, 15 बोले नहीं बाबा हम लोग नहीं देंगे, हमसे काम नहीं करना। लेकिन 5 जन भी मिलते ना सर डेली का, सर 4-4 भी मोबाइल अगर मिल जाते हैं ना सर जी, तो भी आपके सर 20 मोबाइल वैसे बन जाते हैं। तो कैलकुलेशन सर आप करोगे ना सर, तो दिन का ना एक 10,000-15,000 कहीं नहीं जाता। तो सर ये बताइए, एक मोबाइल का बनाने का कॉस्टिंग कितना आ रहा है और प्रॉफिट कितना होगा? सर देखो एक्चुअली जो नैनो कोटिंग का जो लिक्विड मैंने आपको जो दिखाया था ना सर, वो लिक्विड ही सिर्फ कॉस्टली है, ये बाकी आईपी का जो क्लीनर है, ये रूमल, ये तो सर 10-15 रुपये में आ जाता है। शुरू में तो हम लोग फ्री में आपको दे ही देते। एक आईपी का जो लिक्विड है ना, वो सर 3 ml 3 ml, यानी कम से कम 25-25 रुपये उसको खर्चा आ जाता है, कुल मिला के 50 पैसा। बिजली का बिल इधर उधर का खर्चा पूरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हार्डली 100 रुपया खर्चा आएगा सर जी। और सर ये मोबाइल अभी फिलहाल हम लोग ने कहीं पे मशीन दिया बना सर 900 रुपये ले रहे हैं। मैं बोला आप 900 मत लीजिएगा, 500 लीजिएगा। ओके, क्योंकि 500 रुपये इसको कोई बड़ी बात नहीं है।
जो बंदा मोबाइल सर 20,000 का लेने जाता है ना, तो 2-4,000 रुपये जेब में एक्स्ट्रा लेके जाता है एसेसरीज के लिए। फिर वो हेडफोन लेगा, ब्लूटूथ लेगा, स्क्रीन गार्ड लेगा, उसका इंश्योरेंस लेगा, सारा चीज़ लेगा। तो सर 500 रुपये डालना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर समझो ना सर 400 रुपये भी मिले, ओके, तो कैलकुलेट करो सर। अभी हम लोग ने आपको डेमो देखा, हार्डली सर एक मोबाइल बनाने के लिए आपका 10 मिनट गया, मैं बोलता 15 मिनट गए। यानी अगर आपके पास 4 भी मोबाइल आते तो सर कुल मिला के आपका 1 घंटा गया। 1 घंटे में आपको 1600 रुपये 1 घंटे में आपको आ रहा है। अभी घंटे के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करना, बीच में कब भी साफ करना होता है, कभी बिजली भी चला जाता है। अगर पूरा भी हम लोग लो से लो अगर करने जाए ना सर 10 से 15 हज़ार आपको 4 से 5 घंटे में आपको इनकम होना ही होना है। अगर कोई से शुरू करना चाहता है तो लागत कितनी आएगी? तो क्या है एक्चुअली ना, इसका जो है ना वो GST, बाद में बॉक्स पैकिंग, तो ये सारा चीज़ होता है ना। तो जैसे हम लोग ने बोला बाबा 90 की मशीन है, फिर GST एक्स्ट्रा है, फिर उसके ऊपर बॉक्स पैकिंग एक्स्ट्रा है, फिर वो एक्स्ट्रा में कॉस्ट बढ़ जाता है। तो हम लोग ने क्या किया सर, हमने राउंड फिगर ना 1 लाख इंक्लूड GST प्लस वुडन पैकिंग के साथ में हम लोग आपसे मशीन आपको भिजवा देते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों आपकी वीडियो पसंद आया होगा। नलाडे सर इंडिया का बहुत ही फेमस नाम है, इनके ऊपर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सर की कंपनी का नंबर यहाँ पर चल रहा है, आप उन्हें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस बिजनेस के संबंधी अधिक जानकारी लेकर ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे और एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।